हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ सादिक अख्तर। आज हम बात करेंगे कि क्या व्हाट्सएप में कुछ ऐसा फीचर होता है जिससे आप टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो लोग कहेंगे हाँ, कॉपी और पेस्ट तो उसमें होता है और कर भी सकते होंगे, तो क्या आपको पता है आपको कॉपी और पेस्ट कैसे होता है? अच्छा हाँ, मुझे पता है कॉपी पेस्ट कैसे होता होगा, उसे सेलेक्ट करना होता होगा, कॉपी होता होगा। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ये पता नहीं रहता है कि कॉपी कैसे किया जाता है वो टेक्स्ट को, क्योंकि माउस तो है नहीं, आपको सब टच से करना है, और कॉपी का ऑप्शन कहाँ पे रहता है, आप कैसे उसे पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये बात हम उन लोगों के लिए करेंगे जो आज तक ये नहीं जानते कि कोई भी मैसेज को कैसे आगे फॉरवर्ड करें बिना फॉरवर्ड के साइन लाए। तो ये एक ऐसे टॉपिक में भी आ सकता है कि फॉरवर्ड करें मैसेज को किसी और दूसरे पर्सन या ग्रुप में बिना फॉरवर्ड का साइन लाए। तो दोस्तों, ये सिंपली कॉपी और पेस्ट का कमाल है और कुछ नहीं है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, अगर हम किसी कंपनी में एम्प्लॉयर और हमें हमारे ऑफिसर ने एक बड़ा सा लेटर लिख के दिया या बड़ा सा कुछ लिख के दिया वो आगे फॉरवर्ड करने के लिए का, वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकता है बहुत बड़े। अब क्या हो सकता है, हम आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं पर हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ हम फॉरवर्ड करें तो फॉरवर्ड का साइन लगे, क्योंकि ऐसा लगे कि मैंने खुद उसे लिखा है और भेजा है। तो हम क्या करते हैं, हम उसे वापस टाइप करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि व्हाट्सएप भी हमें कॉपी करने के फीचर्स देता है। तो दोस्तों, इन लॉन्ग मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले हम व्हाट्सएप पर चलते हैं दोस्तों। तो हम जैसे ही व्हाट्सएप पर चलते हैं, ये देखिए, अगर आपके पास ये जैसे है, ये बहुत बड़ा है, अगर मैं इसे आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ किसी के पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे टाइप करना पड़ेगा या मुझे बहुत ही मेहनत लगेगी इसे लिखने के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं इसे सिंपली अगर आगे फॉरवर्ड करता हूँ, तो दोस्तों ये देखिए, अगर मैं इसे इस ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड का साइन लग गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉरवर्डेड का साइन लग गया है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें फॉरवर्ड का साइन लगे। तो चलिए, हम देखते हैं कैसे ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, अब इस टेक्स्ट को मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। इस टेक्स्ट को कॉपी करने का क्या है, ये देखिए, ये जो डबल अपर राइट में आप देखिए, राइट साइड में अपने टॉप में, ये जो आपके कॉपी का साइन बना हुआ है, ये टू पेज, यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे क्लिक किया, मैसेज कॉपीड हो गया। अब मैं इसे अगर किसी भी दूसरे ग्रुप में अगर पेस्ट करता हूँ, अब पेस्ट कैसे करना है, पेस्ट करने के लिए टाइप मैसेज में अपने फिंगर से थोड़ा देर के लिए प्रेस करें, सॉरी दोस्तों, टाइप मैसेज में थोड़ी देर के लिए प्रेस करें और अपने आप पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट को टिप दें और सेंड कर दें। ये देखिए दोस्तों, सेम मैसेज चल जाएगा और कहीं भी चला जाएगा ये मैसेज, और इसमें फॉरवर्ड का साइन भी नहीं लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, यही चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता था कैसे करना है। तो दोस्तों, सिंपली कुछ नहीं करना, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना है, आप सिंपली उसे सेलेक्ट कीजिए, ये कॉपी का आपको टैग यहाँ पे निशान मिल जाएगा, यहाँ उसे बस क्लिक कर देना है, वो मैसेज कॉपी हो जाएगा। और उसी को पेस्ट करना है, तो टाइप मैसेज में थोड़ा देर आपको फिंगर से पकड़े रहना है, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको पेस्ट करना है और उसे सेंड कर देना है। तो दोस्तों, यही था आज की थोड़ी सी हमने जो बातें की, क्योंकि बहुत तुमसे वीडियो भी नहीं आ रहा था, और ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो ऐसा बार बार फॉरवर्ड के बोलते, भाई ये फॉरवर्ड का साइन आ जा रहा, फॉरवर्ड का साइन आ जा रहा, कैसे हटाएं, तो ये उन लोगों के लिए भी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बात करते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा।